आईफोन घूम गया किसी का आईफोन जे जे सियाराम 45 आगे कमल का फूल बना हुआ है यार भाई मेरे और हिम्मत नहीं है गाड़ी ढूंढ लेंगे भाई पार्किंग ही खत्म हो गई देखा यही होता है भाई इनको इसमें भी आधा आधा चाहिए एक तो इतनी मुश्किल से मम्मी से मांग के लाए हो कोई बात नहीं भाई मम्मी विल बी प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो हे गाइस वेलकम चालू है कैमरा चालू है सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग सो देख के समझ ही गए होंगे अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभिव्यक्ति जा रहे हैं बाकी एक्साइटमेंट तो बहुत भयंकर हो रही क्योंकि मैं ऐसे पहली बार जा रहा हूँ डांस करने पहले मैं देखने जाता था लास्ट ईयर भी मैं देखने गया था और इस साल तो खेलने जा रहे हैं तो मजा आएगा अभी चलते हैं बाकी जोश तो आया अभी चलते अभिव्यक्ति के लिए और बताना कमेंट में कैसा लगा बहुत बुरे लग रहे अभी हम लेट तो हो चुके 7 बजे का टाइमिंग था 8 बज रही है अभी तो पहले जल्दी सब पहुंचते वहां पे भीड़ तो भयंकर होगी आपको पूरा दिखाऊंगा तो बने रहना ब्लॉग को मजा आएगा तो अभी चलते हैं देख के समझ ही गए होंगे कौन है ये ऑलवेज बी टीटू मेला है जहाँ हर जगह खूबसूरती है और भक्ति है पहला राउंड इतना सुंदर रहा है आगे भी सारे राउंड्स बहुत अद्भुत रहेंगे जैसे दो इंद्रधनुष झूम रहे हैं मेरे साइड में आईफोन घूम गया किसी का आईफोन झूठ बोल रहा है लाइक करो फॉलो करो शेयर करो अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव जो है इसकी अपनी एक गरिमा एक शान है और ये शान बरकरार रहेगी दोस्तों बाहर भी है आप थोड़ा सा शांति रखिए बस अब तो यही चाहिए था बस चिंता हटा दीजिए चिंता मुक्त हो जाइए देखिए ये जो शहरवासी आए हुए हैं बड़े शांत हैं चलिए डांडिया राउंड शुरू हो रहा है आपके लिए भी और आपके लिए ब्यूटी है कितनी आग से खा रहे देख सब पहले निकल गए चल रहा इधर से
So guys, अभी हम जा रहे हैं फोटोज क्लिक करवाने और ये तो अभी खत्म होने वाला 15 मिनट बाद में क्योंकि आचार संहिता चल रही है। Few moments later. देखो गाइस कितनी भीड़, मतलब कितनी भाई बहुत अबे भाई इंटू करके देख, एक पर्सन से अगर 100 रुपए भी करेगा ना मिनिमम 100 रुपए तो कितने रुपए हो रहे हैं। जय जय सियाराम, जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वापिस आ गए अंदर। पुलिस प्लीज, पुलिस वाले इसको हेल्प अस। चलो ब्रदर अब फाइनली घर जाएंगे, अब तो फाइनली अब तो निकल गया भैया। ये है गरबे के बाद का डिफिकल्ट टास्क, गाड़ी ढूंढना। दिख रही होगी आपको, सबसे मरी हालत में हमारी होगी क्योंकि हम इतना रफली उसको घीचते हैं ना ऐसे। पर अरे 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 ये क्या बीजेपी लिखा है? नहीं नहीं लिखा। नंबर क्या है तेरी गाड़ी का? 4045। चलो नंबर तो याद है, अच्छी बात है। समझता गया मेरे को, मेरी गाड़ी का नंबर याद नहीं होगा। 4045 आगे कमल का फूल बना हुआ है। 44 इतनी दूर तो नहीं आया होगा भाई, वो हमारा आता बचपन उससे गुजरा है। हाँ पालने के बाद में सीधे वो उसी पे बैठा था। यही कहना चाह रहा नहीं। ये साइड से डेंट डेंट दिख गई। हमने साइड फेस देख के, अरे यार हमारे जैसा कोई और भी है, ये तो नहीं है हमारी, ये नहीं है यार पुलिस की है तो। अबे तो उठा के ले जाएगा तो हमको कौन उठाएगा? बीजेपी बीजेपी लिखा है गाड़ी पे भाई। अरे यार भाई मेरी हिम्मत नहीं है गाड़ी ढूंढने की। कहाँ पार्क करी थी ऐसी गाड़ी भाई? हमने हमने नहीं करी, टिटू भाई ने करी है। 2000 years later. Finally मिल गई। मारो डिगरो, मारो डिगरो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत कुछ कह रहे थे आप सुन नहीं पाओगे। क्या कह रहे थे? बहुत कुछ कि आप ब्लॉगर हैं। अच्छा ब्लॉगर बनाते हो? मैंने अच्छा भैया बोल रहे थे ऐसा यार, भैया से सब्सक्राइब करवाना चाहिए। उन्होंने बोला कि हमने आपके ब्लॉग देखा है, हमने इस बंदे को देखा हुआ है। नहीं ये ज्यादा हो गया। नहीं सच में सच बोला उन्होंने, भैया दिख रहे ना उनने बोला भाई। ये भैया बोल रहे जो वाइट एसपी है बैठे हैं, ये बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम अभिव्यक्ति से तो आ चुके, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए क्योंकि भूख बहुत भयंकर लग रही गर्भों के बाद में। और अभी हम आए वृंदावन साइड पे, वैसे दुकानें तो नहीं खुली है कोई सी भी, कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ बंद हो गया। मैं एक दो चौपाटी ओए पप्पे भी बंद हो गया है, पेट्रोल पंप खुला, ये डालने का थोड़ा बहुत अपने अंदर। तो अभी चलते हैं, कोई सा कैफे तो खुला होगा इंदौर है, ऐसा तो हो नहीं लगता, इल्लीगली सही पर कुछ तो खुला होगा, तो अभी वही देख रहे हैं। So guys, देखा बोला था ना इंदौर में कुछ ना कुछ तो खुला होगा, और ये तो पूरा ही घूमने के बाद मिला है। हाँ ये तो पूरा ही खुला है, ये तो पूरा ही खुला है। देखो ये तो इधर लाइन के तो सारे खुले हैं गाइस। क्या खाए रमेश? आइस बॉल्स है, मीठा है, ये चाय कप्पी है, चाय पिएगा क्या? चरका वाला कुछ मतलब खाने का, वो चाय की दुकान है। ये क्या है? पसोड़ा क्या? पासो पास पोसाड़ा प्लेस है, ये दंगा कुछ भी करा है सिवा चाइनीज वॉक। लोगों ने यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं नहीं, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, मैं तो ऐसे हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, लोगों बाकी सब यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं नहीं, हम यहाँ से ऐसा देखते हैं। अच्छा यू उल्टा। तो ये चाइनीज की दुकान है, बाकी चाइनीज का कैफे सारी दुकान भी। ये देखो आप पीवर भाई, पानी की बोतल देखते कितने की। ठीक है यार, मेरे को ये लग रहा
क्रिस्पी कॉर्न्स ऑर्डर करते हैं। बढ़िया जगह आ गई गाइस, अब यहीं पे मंगवा लेते हैं ऑर्डर। भाई हम ऊपर आए और मतलब इतनी प्यारी जगह है, बस तो भाई सभी फोटो खींचवाएंगे, यहाँ पे फोटोज क्लिक करते हैं। हमारा खाना आ गया, टाइम देखो कितना हो रहा, 12:15। सो गाइस, बाकी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आपने देखा आज करो वगैरह, वरना आज हमारा पहला दिन था, कल परसों भी वापस जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। बाकी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा, लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी हमको टाइम तो काफ़ी हो चुका है, घर पे आना हमारी ख़राब होने वाली है, देखते हैं। बाकी अभी चलते हैं घर, देखते घर पर क्या ड्रामा है, सुननी तो पड़ेगी बात। पर घर पर क्या आगे तो इतना चलता है, गरबा है ना भाई, गरबा क्या भाई, अब कैसे हो?